वेलकम बैक टू माय चैनल बुलबुल द ब्रट. इतनी खुशी मिल रही है मुझे आप सबसे मिलके, एंड थैंक यू गाइज फॉर मेकिंग मी रीच 4K प्लस. जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज आई एम हेयर विद योर रिक्वेस्टेड वीडियोज. जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की लोगों ने, दैट वॉज फ्रॉम राउंड टू हेल स्कूल लाइफ Part-1, Part-2, Part-3. विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ उस पर रिएक्शन वीडियो. आई रियली होप कि आप सबको वो पसंद आए, बिकॉज मैंने उनके अभी तक कोई वीडियोस देखे नहीं हैं, एंड आई होप मुझे बहुत मज़ा आए, क्योंकि जिस तरह आप सबने इतना ज़्यादा उसको रिक्वेस्ट किया है, आई रियली थिंक कि उसमें पक्का कुछ ना कुछ होने वाला है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट, एंड बिफोर दैट गाइज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ Shikha_Agnihotri13. You can also follow me on Facebook page, that's of @Agni1306. And guys, don't miss any of the updates. Or please, please, please help me reach 5K subscribers so that I can have my first Q&A session. So, ab hum start karte hain video ke saath. Abhi hum pehle dekhenge Part-1, because Part-1 pehle aata hai, to Part-1. Kya stupidity bol rahi hu main. एनीवेज तो Part-1 पहले देखेंगे, और जो ये रिएक्शन वीडियो है इसके 3 पार्ट्स होंगे, क्योंकि हम Part-1, Part-2, Part-3 तीनों आज ही खत्म करेंगे. तो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टुवर्ड्स Part-1. बेटे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर कैसे खड़ा तू? सर वो मेरी फीस जमा ना आना तो प्रिंसिपल सर ने बाहर निकाल दिया. अरे तो बेटे हाइप स्टार ऐप पे वीडियो बनाना. वीडियो बना के फिल्म्स कमा, फिल्म्स कमाने के बाद उन्हें कैश में कन्वर्ट कर ले, कैश में कन्वर्ट करने के बाद तुझे पता ही है क्या करना है, अपनी फीस जमा कर दे. अरे सर ये तो आपने बहुत अच्छी ऐप बता दी मुझे, घर जाते ही डाउनलोड करूंगा हाइप स्टार ऐप. बेटे वीडियो बनाओ पैसे कमाओ. ठीक है सर. भाई नाजिम स्कूल के बच्चे बड़े फेमस हो रहे हैं यार, वो ना है प्रिया प्रकाश बैरियर, ना सो उनने बोहें उठाई और भाई सब ट्रेंडिंग में चल रही है. इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए यार उसके, तो अब भी फेमस होंगे ओवरनाइट फेमस हुई थी. अबे तुम यहाँ पढ़े हो, तुम तो स्टार हो गए, तुम्हारी तो वीडियो ट्रेंडिंग फर्स्ट पे चल रही है. ओए क्या बात कर रही है, मुझे कम सुनने को मिल गई. राउंड टेल को सब्सक्राइब तो कर दे. अरे घंटी कौन बजाएगा? नाजिम आओ ट्रेंडिंग खोलो. अबे जैन तेरे फॉलोअर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं. अबे कुछ आग मूत नहीं तेरे फॉलोअर्स? 17 हो गए. 34 थे. बैठ रहे हैं? और अब 15 बचे. जालिम काम पूरा नहीं करते. सर कर लूंगा सर. अबे करेगा कब, टोपी ना बनाई इतना. सर बना लूंगा. अबे तूने कोर्ट से नहीं लिया मुर्गा. अबे वीडियो बना रही हमारी. साले ट्रेंडिंग में से कैसे हटेगी ये? सालो ट्रेंडिंग छोड़ो, सर कॉपी चेक कर रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं. सर मुर्गा बना रहे हो? बताया नहीं, इसमें कर दो थोड़ा सा, और ये घर के लिए. बता नहीं रहे हो सर जरा भी? और सर रोटी रुमाल लिए या तंदूर? और खाओगे मुर्गा? अरे सर हम होम साइंस वाले हैं. सर वो हमारा होम साइंस का पेपर आ रहा है ना, तो तैयारी करने में लगूंगा कि मुर्गा कैसे बनता पूछना. मैं अपना सर होम साइंस के बच्चे हैं हम. सालो तुम्हारा क्लास टीचर हूं मैं, और तुम सालो मैथ के बच्चे हो. ये पूरी क्लास ही फेल है. एक होते हैं फेल, एक होते हैं महाफेल. गुल्लक में 10 रुपए पड़े. ये तो कुछ मैच ना हुआ. आजा फिर मैचिंग कर ले. सर सेटिंग तो गई डेट पे, और ये तो ये है. क्या कर रहे हैं? कर दी सर, रुदर वाली कल करूंगा. स्वैग. मुझे चूतिया समझ रही है तू? चल मुझे समझा तो ठीक था. ये लूडो है, लूडो लोड़ो नहीं है. लोड़ो हूँ मैं तो लूडो खेलने कह रही है तेरे साथ. साले तू पिटवाना चाहता ना हमें हमेशा.
हर बार पिटवा रहा, कभी वीडियो बनवा रहा, कभी मुर्गे पे पिटवा रहा। तुझसे साले जिंदगी भर ना बोलूं मैं। अबे जा, तुझसे भी ना बोलूंगा कभी। अबे ओ साले, तमीज में रह के बात कर, इससे जान भर बना दूंगा साले। और हर मास्टर से हमारी लगावे, आज के बाद बात मत कर ली हमसे। और सालों लड़ो मत, अगली क्लास संजय सर की है। मेरे भी स्कूल में काम किस किस का पूरा। तू खड़ा हो जा, खड़ा हो। काम पूरा तेरा? हाँ। कल का? कल का भी, कल को जा दूंगा। कल दोगे तो करूंगा ना। ऑब्वियसली मुझोरी कर लिया मुझसे। अरे तो मारियो वाली ट्यून है, आई लव मारियो। किस टॉपिक पे पढ़ाऊं? सॉरी, किस टॉपिक पे फेरूं? अबे अच्छे, वो टीचर से मारने के बहाने कल क्यों आया? सर दादी मर गई। दादी पिछले साल खत्म हो गई तेरी? वो चचा मर गए। चचा ना तेरे? सर संजय सर मर गए। संजय सर बड़े सही आदमी थे, बड़ा कम मारते थे बच्चों को। संजय सर अब कौन प्यार करेगा बच्चों से? संजय सर पानी। अब किस बात पे मारूं? जी प्रिंसिपल सर, आया। संजय सर नहीं आ रहे हैं अभी, अब उनकी क्लास मैं लूंगा, 5 मिनट में आता हूँ। आज की पार्टी मेरी तरफ से, संजय आया ना आज तो। आज की पार्टी मेरी तरफ से, डम डम डिगाडिगा, डम डम डिगाडिगा, डम डम डिगाडिगा, संजय ना आया, डम डम डिगाडिगा, डम डम डिगाडिगा। बच्चों, आज मैं तुम्हें हिस्ट्री में अकबर का चैप्टर पढ़ाऊंगा। इंतजाम करो ना जी, कल तकिया नहीं था मेरा, आज लाया हूँ। अकबर एक बहुत शक्तिशाली बादशाह था, उसका जन्म बहुत पहले हुआ था। उसकी बर्थडे पार्टी में हनी सिंह ने बहुत अच्छा गाना गाया था, और गाने के शब्द कुछ इस तरह थे। बेबी 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 ओ बेबी 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 ओ बेबी का है बर्थडे बेस। अकबर की बर्थडे पार्टी में बहुत अच्छे मोमोज बने थे। इसी को देखते हुए अकबर ने बाबरची को एक जोड़ी प्यूमा के जूते, बदो मुफ्ती की जींस गिफ्ट करी थी। उसके अगले दिन जब बीरबल अपनी बाइक पल्सर पर बैठा हुआ जा रहा था, तो उसकी बाइक का क्लच टूट गया था। इसी बीच अकबर और बीरबल की मुलाकात हुई थी। तो बच्चों बताओ, अकबर कौन था? ऋतिक रोशन। हाँ। और जोधा भाई कौन थी? सेटिंग ही ऋतिक रोशन की। इतिहास कमजोर थोड़ी, और सुन लो, उससे पहले सलमान भाई जान की। साले स्कूल में फोन चला रहा, संजय को पता चल गई तो नीरव मारेगा, मारते मारते कमलेश बना देगा तेरा। मेरा कद्दू डर है संजय से, संजय जैसे छह को मारूंगा। कौन है संजय? संजय के अब्बा से भी ना डरूं मैं। भाई साहब क्या क्या बात करे संजय मुझे, बाबली गांड है वो मेरे आगे। कौन है संजय, है कौन संजय? पूरे स्कूल में संजय संजय संजय। मजा ना रही है इसमें, दूसरी लगा। अभी वो वाली वीडियो भरवाई ना है मैंने, चिप भरवाने भेजी है, भर जाएंगी तो देख लिए तू भी। सही है, आजा चल।
बेटे एग्जाम में एक क्वेश्चन आगा कि बीरबल की पल्सर का कितना माइलेज था, तो 42 किलोमीटर लगा देना, एवरेज उसका 42 था। संजय मैं टीचर हूँ, संजय मैंने तुझे ही पढ़ाया, संजय सबसे जूनियर टीचर हूँ, संजय प्रिंसिपल। मजा आ गया यार। सर इतने शांत कैसे हो आप आज? बेटे आज तुम्हारे स्कूल का लास्ट डे है। तुम ऐसा कुछ कॉलेज चले जाओगे कल, कुछ बिजनेस में लग जाओगे, कुछ नए फ्रेंड्स बना लोगे, कुछ नहीं बनाओगे, पर बेटा जो स्कूल में दोस्त बन गए ना तुम्हारे, वो तुम कभी नहीं बना पाओगे। ट्रू। किसका टिफिन छीनोगे कल, किससे लड़ाई करोगे? बेटा इतना बिजी हो जाओगे ना अपनी लाइफ में कि एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तरस जाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जो इन्जॉय करा है तुमने, उसे यादों की तरह ले जाओ, और जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें यहाँ पे गले मिल गए एक दूसरे से सॉरी बोल के छोड़ जाओ। बाकी सबको ऑल द बेस्ट, खूब तरक्की करो अपनी जिंदगी में। सेंटी कर दिया यार। गले नहीं मिलेगा मुझसे। और जैन से नहीं मिलेगा, वो ही मुझसे नहीं मिलना चाहता। एक बार आवाज तो लगा के देख। सेंटी कर दिया यार। स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, सच में। सिर्फ वो मेमोरीज ही हम अपने साथ आगे तक ले जाते हैं, वो फ्रेंड्स, वो स्कूल की जो भी यादें होती हैं, जो भी मोमेंट्स हमने शेयर किए होते हैं, जो मस्तियाँ की होती है, जो पहले बंक्स होते हैं, और सब कुछ वो होता है ना, आपका स्कूल लाइफ में जो भी आप करते हो वो आपका फर्स्ट टाइम होता है ऑलमोस्ट लोगों का। इट्स लाइक बेस्ट थिंग्स यू आर डूइंग, या फिर जो भी अभी स्कूल में है, या फिर यू हैव डन, इट्स सिंपली अमेजिंग। लाइफ टाइम आपको वो चीज़ें याद रहती है। कॉलेज लाइफ भी अच्छी होती है, बट वो होता है ना, एक स्कूल लाइफ का एक अलग ही मज़ा होता है, केयर फ्री बिल्कुल, होमवर्क की टेंशन थोड़ी बहुत, नहीं किया तो पहले टीचर के आने से पहले करने में लगे हैं, लंच पीरियड में इसका खाना खाना, उसका खाना खाना, क्लास के बीच में लंच करना, और कितनी सारी चीज़ें होती हैं। मेरी जो फेवरेट मेमोरीज़ थी, मुझे याद है स्कूल मेरा होता था बिल्कुल, मेरा स्कूल और घर देयर उनके बीच में डिफरेंस जो है इट्स जस्ट 2 to 3 minutes का वॉकिंग डिफरेंस है। तो आई यूज़ टू गो आफ्टर द फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल पे आपका डोर क्लोज होता है, मोस्टली लोगों के स्कूलों में होता होगा, तो मैं फर्स्ट बेल मेरे घर में सुनाई देती थी, एंड आई यूज़ टू रश, मम्मी बस अब हो गया, पहली बेल बज गई, मैं भाग रही हूँ, और दूसरी बेल उसके विद इन 5 to 7 minutes बाद बजती थी, एंड इट हार्डली टुक 2 to 3 minutes टू रीच होम, टू रीच स्कूल। तो मेरी ऐसी भागा दौड़ी चलती थी, और मैं बंक नहीं कर पाई क्योंकि मेरा घर बिल्कुल पास था स्कूल के। बहुत चीज़ें होती हैं स्कूल में जो हमें कॉलेज में एक्सपीरियंस नहीं होती, लाइक टीचर्स से वो जो आपका एक बॉन्ड बन जाता है, कॉलेज में भी आपके प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स होते हैं, बट क्योंकि वहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा डाइवर्स और इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे एक एक स्टूडेंट के साथ उनको अपना एक रिलेशन, अपना बॉन्ड बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट स्कूल में ऐसा नहीं है। उन्होंने दे हैव सीन अस फ्रॉम दिस टू दिस, लाइक इतना छोटा कोई बच्चा नहीं जाता स्कूल में, बट लाइक From whatever small age you are going to school, उसके बाद से लेके 12th class तक
the teachers are seeing you and they are like, they nurture you so well. They, एक होता है ना एक फैमिली वाली फीलिंग आती है उनके साथ. और स्पेशली जो लास्ट डे उसमें दिखाया, ये होता है कई लड़ाई झगड़े होते हैं स्कूल लाइफ में और कई ऐसे दोस्त बनते हैं जो बाद में लड़ाई के बाद दुश्मन बन जाते हैं, फिर वो दूसरे दुश्मन के साथ ज्वाइन कर लेते हैं. इट्स लाइक वो तो ना पबजी में शायद ऐसा होता है, आई डोंट नो, आई डोंट प्ले, बट मेरा भाई खेलता है तो आई नो दिस मच. तो ऐसे होते हैं. और फिर स्कूल के एंड पे तब दोस्त बोलता है अभी उससे भी बात कर ले यार, इसके बाद कौन कहाँ. तो अभी जो स्कूल में है उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ, दोस्ती लड़ाई झगड़ा सब लगा रहता है, बट गाइज लास्ट डे तक का वेट मत करिए. अभी भी जस्ट गो कम्युनिकेट, ट्राई टू रिजॉल्व, और जितनी अच्छे मेमोरीज आप बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि स्कूल लाइफ वंस गॉन आपको वापस नहीं मिलेगी. और ट्रस्ट मी ऑन दीज वर्ड्स, आप स्कूल लाइफ बहुत मिस करोगे, वो लाइफ कभी दोबारा नहीं आती. क्योंकि ग्रेजुअली आप जैसे जैसे बड़े होगे, कॉलेज में जाके नई टेंशन होती हैं, प्लेसमेंट्स की टेंशन होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बट स्कूल में 10th तक सिर्फ अब बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स की टेंशन और 12th के बोर्ड्स की टेंशन. दैट्स द मिनिमल होता है ना, मिनिमल लेवल ऑफ टेंशन यू कैन टेक. उसके बाद लाइफ ग्रोज टू समथिंग डिफरेंट. तो स्कूल लाइफ में जितना एंजॉय कर सकते हो, जितनी मस्ती, कितना भी नॉटीनेस और जो भी आप कर सकते हो करो, बिकॉज दैट्स योर प्लेस, नो वन कैन टेक इट फ्रॉम यू. तो उसे एंजॉय करो और अपनी प्लीज़ फेवरेट मेमोरीज मुझे बताओ. ये वीडियो आई रियली वंडर, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है, मैंने ये वीडियो कैसे नहीं देखी. अब समझ आया इतने लोगों ने राउंड टू हेल के लिए क्यों रिक्वेस्ट किया, बिकॉज ट्रूली द कंटेंट वॉज सो क्लीन. At the same time, it was so, so humorous. और same time पे उसने वो सारी memories, like school की जितनी भी मेरी यादें थी, मैं सारी उनको याद कर सकती हूँ. वो first excitement pen से लिखने की, कि अब तो इस class में आके, I think fourth या fifth में आप pen से लिखने वाले उसमें आ जाते हैं, मतलब मुझे तो ढंग से याद भी नहीं आ रहा, बट वो excitement याद है. और एक वो fresh page से start करने वाली excitement कि आज नए page पे लिखेंगे, या फिर वो नए books को ओपन करने वाली, उनके पिक्चर्स देखने वाली, ओह गॉड बहुत मेमोरीज हैं. वो सब कुछ फर्स्ट टाइम होता है, जितनी भी चीज़ें फर्स्ट टाइम होती हैं ना वो मोस्टली स्कूल्स में होती हैं. तो जो अभी स्कूल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, गुड फॉर यू. जो नहीं कर रहे, पढ़ाई करो, बट गाइस पढ़ाई के साथ स्कूल लाइफ एंजॉय करो. जितना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जितनी आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स बना सकते हो, जितना भी आउटडोर गेम्स पे फोकस कर सकते हो वो करो. क्योंकि आजकल बच्चे काफ़ी इंडोर गेम्स, मोबाइल्स, पीसीस, टैबलेट्स, इन सब में लगे रहते हैं. गाइज ट्रस्ट मी, आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो. क्योंकि मुझे याद है मेरे स्कूल डेज में आई वॉज द वन जिसको कोई गेम एक नहीं पसंद था. कबड्डी, खो खो, और क्या होता था, स्कूल से भाग के आते ही हम लोग खेलने लगते थे स्टैपू, पिट्ठू, और क्या क्या होते थे, हाइड एंड सीक, पकड़म पकड़ाई, और जो रिलेट कर सकते हैं, चेन चेन, कलर कलर, और क्या क्या गेम्स थे. मुझे इस टाइम पे काफ़ी गेम्स याद नहीं आ रहे. आपको अगर याद आ रहे हैं आपके फेवरेट गेम्स, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. बिकॉज यूजुअली मेरे को याद है मैं सारे गेम्स खेलती थी, जो भी नया सीख के आती थी. तो ऊंच नीच का पापड़ा, इट वॉज लाइक ओ गॉड, कि सारे गेम्स बहुत बहुत अच्छे थे. पर मैं अब देखती हूँ कि बच्चे पबजी और जो भी है टीवी सीरीज, वेब सीरीज, सीरियल्स, मूवीज, इसमें लगे रहते हैं. ये सब आप आगे की एज में कर सकते हो, बट स्कूल लाइफ वो टाइम है जब आपको ये गेम्स खेलने ज़रूरी हैं. प्लीज़ गाइज डोंट मिस इट. और जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं, वो मुझसे अग्री करेंगे कि हम लोगों का बचपन क्या बचपन रहा था. हाँ, इस वीडियो ने मुझे कितनी चीज़ें याद दिला दी. आई एम रियली हैप्पी. थैंक यू राउंड टू हेल, थैंक यू पीपल जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया ताकि मैंने ये वीडियो देखा. आई ट्रूली लव दिस वीडियो, ट्रूली 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 लव दिस वीडियो. मुझे वीडियो बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा. बहुत अच्छी कॉमेडी थी, बहुत क्लीन कॉमेडी थी. और टीचर्स ऐसे होते थे कुछ जो से मारने का बहाना ढूंढते थे, एंड बट उनका भी अपना प्यार था, ये एक प्यार था उनका दिखाने का. बस सब कुछ वही याद आ गया. वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत कमाल का था, मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम रियली एक्साइटेड पार्ट 2 के लिए, कि स्कूल लाइफ है और पार्ट 2 है.
तो मतलब या तो वो स्कूल के बाद का कुछ है या फिर कुछ कहानी में ट्विस्ट है या शायद कोई फेल हो गया है. आई डोंट नो, लेट्स सी, पार्ट टू में देखेंगे क्या होता है. टिल देन स्टे ट्यून और प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब, कॉमेंट योर फेवरेट इंसिडेंट्स एंड फेवरेट गेम, फेवरेट स्पोर्ट एंड फेवरेट मेमोरी जो भी आपकी स्कूल लाइफ में थी. एंड आई लव यू ऑल. प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड go and watch the next part, part 2, that is just after the video. And thank you so much. Bye-bye. Love you.